उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी टू के नाम से आई सरकार में अब मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही दुरुस्त रखने की एक पहचान के रूप में सामने आया है, लेकिन इसी पहचान को उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में चुनौती मिली है, जहां पर कुछ लोगों ने एक सिपाही की केवल इस बात पर पिटाई कर दी क्योंकि तेज रफ्तार वाहन से जा रहे इन लोगों को वाहन धीमा करने को कहा था। बस स्पीड कम करने की बात को लेकर और रैश ड्राइविंग करने से मना करने की बात को लेकर इन दबंगों ने पुलिस की वर्दी की शान को मिट्टी में मिला दिया। इन लोगों ने सिपाहियों से मारपीट ही नहीं की बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने सिपाही की वर्दी तक फाड़ के फेंक दी। ये उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का दावा करती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिन लोगों ने सिपाहियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले इन दबंगों के पास मामूली सी बात पर इतनी हिम्मत कैसे आई, जबकि पुलिस इस बात का दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त है। ऐसे में अचानक से और जब योगी टू की सरकार हो उसमें पुलिस पर हमला करने की ये घटना अपने आप में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा करती है। संज्ञान में आया है कि 2 आरक्षी जो PRV में हैं वो किसी इवेंट के लिए जा रहे थे मिलग्राम रोड पर, तभी किसी वाहन को वाहन द्वारा ओवरटेक किए जाने को लेकर बहस में जो वाहन में 3 व्यक्ति थे उनके द्वारा इनसे मारपीट की गई है। इस संबंध में 2 लोग पकड़े जा चुके हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया रहा है। 3रे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। सर, ये लोग कहाँ के थे? सर, ये कोतवाली शहर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।